गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। दिस इज़ देवेश कुमार एंड इन दिस सीरीज़ वी आर डिस्कसिंग द साइंस ऑफ क्लास 10th। वी हैव रीच्ड द चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस चैप्टर। लेट अस टेक अ क्विक रीजन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इट। हमने डिस्कस किया था कि जो हेरिडिटी और एवोल्यूशन है, ये जो दो टर्म्स होती हैं, इनका मतलब क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है वंश परंपरागत, जो हमें अपने वंश से, अपनी पीढ़ियों से, अपनी फैमिली से मिला हुआ है। और इवोल्यूशन का मतलब होता है ऐसी कुछ एक्वायर्ड चीज़ें जो हमने अपने एनवायरमेंट से उठाई हैं। ठीक है, फिर हमने एक ये छोटे से एग्जांपल के थ्रू डिस्कस किया था कि कैसे जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशन आती है, यहाँ पे वेरिएशन किस टाइप से आती है। ठीक है ना, फिर इसी के बाद हमने थोड़ी सी बातें डिस्कस करी थी जिसमें हमने ये देखा था कि जो ट्रेड्स होती हैं, ओके, जो ट्रेड्स होती हैं, ट्रेड्स का मतलब होता है गुण। गुण इंसान के अंदर कैसे आते हैं, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर डिस्कस कर चुके थे कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जिसको डीएनए कहा जाता है। और उसी डीएनए की हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन है वो आगे फर्दर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होती है, ओके। फिर हमने हेरिडिटी के बारे में बात करी थी और हेरिडिटी के अंदर हमने इनहेरिटेड ट्रेट्स देखे थे। बाय बर्थ हमको जो ट्रेट्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, उन्हीं को इनहेरिटेड ट्रेट्स कहा जाता है। ये ईयर का एक एग्जांपल हमने देखा था, ओके। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था मेंडल, और उन्होंने कुछ रूल्स दिए कि ये जो इनहेरिटेंस हो रही है, ये जो ट्रेड्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं, ये ट्रेड्स अपने आप जा रहे हैं, लेकिन इनके ट्रांसफ़र के पीछे भी कुछ रूल है। उन्होंने एक क्वेश्चन सबके सामने रखा कि जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो फादर है और फादर के साथ साथ जो मदर है, ये दोनों ही इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में, जो चिल्ड्रन है उसका जेनेटिक मटेरियल बनाने में, उसका डीएनए बनाने में। इसका क्या मतलब है कि उस बच्चे के अंदर जितने भी ट्रेट्स हैं, जितने भी गुण हैं, वो दोनों से, उसके पेरेंट से, उसके पैटर्नल मतलब उसके फादर से और मैटर्नल उसकी मदर के डीएनए से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो हर एक ट्रेट के लिए उस बच्चे के अंदर दो वर्जन होने चाहिए, जैसे हाइट। अब बच्चे की जो हाइट है वो जितनी फादर से इन्फ्लुएंस्ड होगी उतनी ही मदर से भी इन्फ्लुएंस्ड होगी। तो हाइट के लिए बच्चे के अंदर दो ट्रेट्स होने चाहिए, दो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन आगे आएगी इसके पीछे भी कुछ रूल होना चाहिए, ओके। तो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इन्हीं रूल्स के ऊपर वर्कआउट किया और उसने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स किए एक सेंचुरी मतलब 100 साल से भी पहले, ओके। तो उन्हीं को अब हम देखने वाले हैं। मेंडल के बारे में अगर हम जानेंगे तो मेंडल जो थे वो एक मॉनेस्ट्री में पढ़ते थे और अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, जहाँ पे वो साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते थे, वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में गए, लेकिन एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से उनको टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन जो ऐसे एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो वापस मोनेस्ट्री आए और उन्होंने पीज मटर जो है वो उगाना शुरू किया। उस टाइम पर और भी काफ़ी सारे लोग इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहे थे, लेकिन मेंडल ने साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की नॉलेज के साथ सबसे पहले इन ट्रेड्स के बारे में एक्सप्लेन किया। क्या उन्होंने एक्सप्लेन किया, मेंडल का जो गार्डन था जहाँ पर वो मटर उगा रहे थे, वहाँ पर दो तरह के पौधे थे। एक के पास पहला ट्रेट उन्होंने उठाया टॉलनेस, तो जहाँ पर दो टी लिखे हैं
ये तो हमारा टॉल प्लांट है, और जहाँ पर दो टी स्मॉल लिखे हैं ये हमारा शॉर्ट प्लांट है। अब ये दो टी का मतलब क्या है? एक फैक्टर जो है वो मदर से आया होगा और एक फैक्टर जो है वो फादर से आया होगा। अब इन्होंने क्या किया, ये दोनों जो प्लांट्स हैं, ये और ये, इन दोनों को फ्यूज़ करवाया, इन दोनों का पॉलिनेशन करवाया, और इनसे सेल्फ पॉलिनेशन से ये कुछ नए प्लांट्स जनरेट हुए। लेकिन मेंडल ने क्या देखा कि जितने भी प्लांट्स जनरेट हुए हैं उनमें कोई भी प्लांट शॉर्ट नहीं है, सभी के सभी प्लांट कैसे हैं, सभी के सभी प्लांट टॉल हैं। इसका मतलब क्या निकला? क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एक पेरेंट था जो शॉर्ट था उसके जो ट्रेड्स हैं वो इसमें आए ही नहीं? अभी मेंडल ने कुछ नहीं कहा। अभी ये फर्स्ट जनरेशन से जो सेकंड जनरेशन आई, ये F1 जनरेशन आई, ये पेरेंट्स थे और पेरेंट्स से सबसे पहले ये जनरेशन आई। अब इस जनरेशन में से उन्होंने कुछ रैंडमली दो प्लांट्स लिए और उनके सेल्फ पॉलिनेशन से कुछ नए प्लांट्स तैयार किए। अब उन्होंने क्या देखा कि जितने भी नए प्लांट्स थे उन नए प्लांट्स के अंदर 1/4 जो प्लांट्स हैं वो शॉर्ट थे और 3/4 जो प्लांट्स हैं वो टॉल थे। यहाँ से उन्होंने क्या आइडिया लगाया, यहाँ से उन्होंने क्या थियरी दी कि चाहे कोई टॉल हो चाहे कोई लॉन्ग हो, चाइल्ड के अंदर, ऑफस्प्रिंग के अंदर दोनों ही क्वालिटीज़ जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं और दोनों ही क्वालिटीज़, दोनों ही ट्रेट्स उसके अंदर आते हैं। बात सिर्फ क्या है, कुछ ट्रेट्स उनको सामने दिखाई देते हैं और कुछ ट्रेट्स जो हैं वो छुपे हुए रहते हैं। जैसे किसी पेरेंट से किसी के फादर टॉल थे तो उनके अंदर जो ट्रेट आया वो कैपिटल टी आया फादर से। मदर की हाइट कम थी तो उनके अंदर मदर से जो ट्रेट आया वो स्मॉल टी आया। लेकिन जो बच्चा है वो हमने देखा वो कैसा हुआ, टॉल। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर शॉर्टनेस का ट्रेट नहीं है, शॉर्टनेस का ट्रेट है। लेकिन अब बात आती है अगली, कुछ ट्रेट जो सामने निकल कर आते हैं उनको कहा जाता है डोमिनेंट ट्रेट, और कुछ ट्रेट जो हमें दिखाई नहीं देते जो छुप जाते हैं उनको कहा जाता है रिसेसिव ट्रेट। तो ट्रेट्स कहीं भी मिस नहीं हुए, मदर और फादर दोनों में से ट्रेट्स उसको मिले हैं, लेकिन कुछ ट्रेट्स जो हैं वो रिसेसिव हैं और कुछ ट्रेट्स जो हैं वो डोमिनेंट हैं। ओके, तो ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके बताया, और उसने बताया कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर उनके जो ट्रेट्स आएंगे, उनके जो गुण आएंगे, उसको जो कंट्रोल करता है वो जो कॉपीज तैयार होती हैं जिनको आजकल हम जीन्स कहते हैं वो कंट्रोल करता है। बहुत सारे ट्रेट्स आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है ना? क्यों होते हैं आइडेंटिकल? क्योंकि वो उनको उनके पेरेंट्स से मिले हुए हैं, ठीक है? तो इस एजम्पशन से ये जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट बताया इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेट्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, इसको बड़े अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जब ये नए ट्रेट्स बने तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक प्लांट ऐसा था जिसके अंदर दोनों ट्रेट्स जो हैं वो टॉलनेस के थे, दो प्लांट ऐसे थे जिनके अंदर एक ट्रेट था टॉलनेस का और एक ट्रेट था शॉर्टनेस का, और एक प्लांट ऐसा था जिसके अंदर एक ट्रेट था कैसा, शॉर्टनेस का। तो यहाँ पर हमारे जो प्लांट्स तैयार हुए सेकंड जनरेशन में वो तैयार हुए 1:2:1 की रेशो में। तो कई बार हमसे ये रेशो पूछता है कि टॉलनेस में जो पी प्लांट तैयार हुए उनकी रेशो क्या है, तो 1:2:1 है। इसका मतलब क्या है, एक प्लांट होगा जिसके अंदर दोनों ट्रेट टॉलनेस के होंगे, दो प्लांट होंगे जिनके अंदर एक ट्रेट टॉलनेस का होगा और एक ट्रेट शॉर्टनेस का, और एक प्लांट होगा जिसके अंदर दोनों जो ट्रेट्स हैं वो शॉर्टनेस के होंगे। तो यहाँ तक मेंडल ने टॉलनेस के एक ट्रेट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और क्या बताया, जो कैपिटल टी ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट है,
ठीक है ना। लेकिन जो दूसरा ट्रेट है स्मॉल टी, उसको उसने रिसेसिव ट्रेट कहा। रिसेसिव क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टीज को आगे शो नहीं कर रहा, वो कमज़ोर है, वो कम पावरफुल है, कम पावरफुल है, इसीलिए वो चाइल्ड के अंदर शो अप नहीं हो पाया, इसीलिए उसको रिसेसिव ट्रेट कहा गया। आगे इसी तरह के कुछ एग्जांपल, कुछ एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो है वो उसके फ्लावर के साथ भी किए। उसने देखा जो पी है, जो पी प्लांट है, उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स जो हैं उनका कलर वायलेट है, कुछ फ्लावर्स जो हैं उनका कलर वाइट है। इन दोनों तरह के प्लांट से जो नया प्लांट तैयार हुआ वो कैसे कलर का था, देखो वायलेट। इट मीन्स यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो वायलेट कलर है वो डोमिनेंट ट्रेट है और जो वाइट कलर है वो रिसेसिव ट्रेट है। फिर वही कहानी रिपीट हुई। इस एक जनरेशन के जब दो प्लांट्स को हमने फ्यूज़ करवाया, पॉलिनेट करवाया, तो तीन प्लांट्स तो कैसे कलर के आए, वायलेट कलर के, और एक प्लांट कैसे कलर का आया, वाइट कलर का। सेम हमारे पास वही थियरी निकल के आई जो हमने टॉलनेस के ट्रेट के लिए देखी थी, कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो वायलेट कलर के हैं, इट मीन्स वायलेट कलर कैसा है, डोमिनेंट ट्रेट है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो वाइट कलर के हैं, इट मीन्स वाइट कलर का ट्रेट कैसा है, ये रिसेसिव ट्रेट है। ओके, कुछ और ट्रेट्स के बारे में भी मेंडल ने हमें बताया है, जैसे वो राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे, ग्रीन होंगे या येल्लो होंगे। ओके, तो उन ट्रेट्स के बारे में नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।